माँ गंगा की आरती हो रही है। एक बार हम सब माँ गंगा का जय घोष करेंगे। माँ गंगा मैया की, बाबा विश्वनाथ की, हर 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 महादेव। वाणी वंदना का आदेश हुआ है, सीधे सीधे माँ की वंदना से आप सबको जोड़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। हे माँ सरस्वती अभय अस्मित अमरता वरदान दे। हे माँ सरस्वती अभय अस्मित अमरता वरदान दे। उजल अमल निर्मल वनेशन चिर प्रभायुत गान दे, ज्ञान दे ज्ञान दे। हे माँ सरस्वती संसार सार समेत सकल सुरों का तुझ में वास है। प्रज्ञा प्रदीप पीयूष पुष्पित परम पुंज प्रकाश है। वह परम ब्रह्म अति दिव्य ज्योति अतुल्य अनूप अभिराम दे अभिराम दे अभिराम दे। हे माँ सरस्वती प्राणों की बेसुधि गा रही, तन मन हुआ अनुराग में। अंबर धरा तरु तृण लता अवसरित सर नव राग में। जो पी सके जल थल की पीड़ा मधुर शाश्वत गान दे गान दे गान दे। हे माँ सरस्वती माँ के चरणों में अंतिम बंद रखती हूँ, सुनिएगा। मेरे हृदय के भाव कोमल हार बन जाए तेरा, सांसों के सारे तार तार सितार बन जाए तेरा। कड़ कड़ को कर दूं रश्मि में विश्वास दे, वह मान दे मान दे मान दे। हे माँ निवेदन है बस 10 मिनट का और समय दीजिए, वरना रात को आपको बुरे बुरे सपने आएंगे। हमारा कहा पड़ जाता है, हाँ पढ़िए। सीधे सीधे कुछ पंक्तियों से आप सबको जोड़ती हूँ। गंगा के तट पे खड़ी हूँ, माँ गंगा की आत्मकथा को चार पंक्तियों में बांचना चाहती हूँ आप सबके बीच में, सुनिएगा। स्वागत। अपना घर द्वार अपना पता छोड़कर, अपना घर द्वार अपना पता छोड़कर, स्वर्ग के वैभवों की छटा छोड़कर, स्वर्ग के वैभवों की छटा छोड़कर, जब भगीरथ ने मुझको पुकारा यहाँ, जब भगीरथ ने मुझको पुकारा यहाँ, मैं चली आई शिव की जटा छोड़कर, मैं चली आई शिव की जटा छोड़कर। पढ़ते हैं। हाँ कुछ पढ़ दीजिए, ना भी पढ़ेंगे तो इनका काम चल जाएगा। आप केवल माइक पे खड़े रह जाइए, 5 मिनट इधर अंधेरे के लोग भी अपना काम चला लेंगे, ये ऐसे ही लोग हैं। अभी 80 के लोग हैं, इनको कुछ पढ़ने ओढ़ने से मतलब नहीं है, आप खड़ी रहिए, इनका काम हो जाएगा, फिर आप बैठ जाइए। एक बार आप सब तालियां बजा कर मुझे आदेशित करें आगे काव्य पाठ के लिए। प्रेम वैसे पीड़ा का विषय है, लेकिन उस पीड़ा का अपना एक आनंद है। हमारे उत्तर प्रदेश में इश्क मोहब्बत प्रतिबंधित है,
इसलिए एक इश्क की कवित्री को बुलाना जरूरी है। हमारे यहाँ प्रतिबंधित है, आप अपनी सगी पत्नी को लेके पार्क में नहीं बैठ सकते। कब एंटी रोमियो वाले आके कूटने लग जाएं, ये पता ही नहीं चलता है। हमने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि आपने ये प्रतिबंधित क्यों कर दिया, ये राम की धरती कृष्ण की धरती, ये इश्क मोहब्बत प्रतिबंधित क्यों है। कहे बेटा, जिस सुविधा का लाभ हम नहीं ले पाए उसको अन्य लोगों के लिए क्यों छोड़ा जाए। तो हम इश्क को जागृत करने के लिए रश्मि साक्या जी को बुलाए हैं। आप 5-7 मिनट इनको सुन लीजिए, फिर 5-7 मिनट के लिए अभय सिंह निर्भीक, और फिर मंच को तहस नहस करने के लिए हम सरदार प्रताप फौजदार जी को बुलाएंगे। जल्दी से 5 मिनट में अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। कुछ बुजुर्ग तो चश्मा अगर आपके मन तक पहुँच जाए तो आप सबका। कुछ बुढ़ाऊ जो है चश्मा पोछ पोछ के देख रहे हैं, इधर से धूल आ रही है, तो उनको हम बता दें कि हर जगह पक्का मकान थोड़े हो, सब जगह श्मशान थोड़े हो, सब ब्यूटी पार्लर के कमाल हो, वरना जितना लौकत हो उतना जवान थोड़े हो। 5-7 मिनट का समय है और 5-7 मिनट आप ही बोलेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी यहाँ पे। नहीं, उनको ज्ञान के लिए बता दिया, आप पढ़िए। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। चमन में खिल उठे हैं फूल, तुमने मुस्कुराया क्या। वाह। चमन में खिल उठे हैं फूल, तुमने मुस्कुराया क्या। कहीं तुमने प्रणय का गीत कोई गुनगुनाया क्या। वाह। तुम्हारे एक वादे पे प्रतीक्षारत अभी तक हूँ, तुम्हारे एक वादे पे प्रतीक्षारत अभी तक हूँ। किसी ने प्यार में इतना किसी को आजमाया क्या। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। 5-7 मिनट में अपना काव्य पाठ निपटाने की कोशिश करती हूँ। समर्पण की 4 पंक्तियाँ आपके बीच में रखती हूँ, अगर कोई पंक्ति आपके मन तक पहुँचे तो आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा। बहुत उलझा हुआ है मन, तुम्हें कैसे बताऊं मैं। बहुत उलझा हुआ है मन, तुम्हें कैसे बताऊं मैं। तुम्हारे बिन तो अब 2-4 पल भी रह न पाऊं मैं। अकेलापन तो अपना मैं किसी से बांट लेती हूँ। अकेलापन तो अपना मैं किसी से बांट लेती हूँ। अधूरापन तुम्हारे बिन भला कैसे मिटाऊं मैं। अधूरापन। इतना गंभीर भी होकर के न सुनिए, मैंने कोई ऐसी गंभीर बात नहीं की। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ गीत पढ़ने से पहले। गीत भी पढ़ लूँ एक? पढ़ लीजिए। गीत पढ़ने से पहले 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जरा रख दो न अपने पांव मेरे दिल के जीने पर। जरा रख दो न अपने पांव मेरे दिल के जीने पर। प्रणय के गीत मैं रच लूं भोजपत्रों के सीने पर। अभी रुकना हृदय की वीथिका में फिर चले जाना। अभी रुकना हृदय की वीथिका में फिर चले जाना। कोई वादा मेरा लेकर, कोई वादा मुझे देकर। अभी बड़े भाई हैं, बहुत आदरणीय हैं, बहुत अच्छा संचालन भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी कुछ समय पहले कुछ टिप्पणी की, उस टिप्पणी के जवाब में 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। आप सबका आशीर्वाद मिले मुझे और वो आपकी तालियां उन तक पहुँचे, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बहारों के हसी मौसम में भौरे गुनगुनाते हैं। वाह। बहारों के हसी मौसम में भौरे गुनगुनाते हैं। चमन को लूटते हैं गंध फूलों की चुराते हैं। दमकते रूप की जब आरती श्रृंगार करता है। दमकते रूप की जब आरती श्रृंगार करता है।
वहाँ ऋषियों फकीरों के भी संयम टूट जाते हैं। वहाँ ऋषियों फकीरों के भी हवाइए ओजस्वी धारा के कवि।